चलो अब देखो, तुम बता, देखो तुमको क्वेश्चन टकराएगा ना, वॉइस वाला टकराएगा। कैसा टकराएगा? तब वॉइस में दो गो वॉइस होता है, ये समझो अपन। क्या वो वॉइस? एक होता है एक्टिव, एक क्या होता है एक्टिव, एक होता है क्या पैसिव। एक्टिव को हम लोग बोलते हैं टेंस, पैसिव को हम लोग बोलते हैं वॉइस। इसका मतलब सर अभी जो पढ़ा रहे वो क्या है? अब एक्टिव वॉइस बोलो या क्या बोलो? टेंस बोलो। अब अगला चैप्टर जो पढ़ेंगे वो पैसिव पढ़ेंगे, तो पैसिव बोलो या पॉइंट सर, तो टेंस पढ़ेंगे तब ना वॉइस पढ़ेंगे। मतलब वॉइस का क्या होता है कि एक्टिव दे देगा, पूछेगा क्वेश्चन 6-7 को, एक्टिव दे देगा क्या बनाने के लिए कहेगा? पैसिव। एग्जाम में पैसिव दे देगा क्या बनाने के लिए बोलेगा? दो तरह का क्वेश्चन पूछता है, 18 से पहले एक के तरीके से पूछता था, सिर्फ एक्टिव देता था और पैसिव बनाना रहता था, लेकिन 18 के बाद पैटर्न चेंज कर दिया, एक्टिव से पैसिव और पैसिव से दोनों बनाना पड़ेगा। सब इसमें तुमको टाइम इंटेंस में दो क्वेश्चन टकराएगा, एगो टकराएगा तुमको वॉइस वाला, एगो टकराएगा तुमको नरेशन वाला। तो सिंपल सी बात है सर, ये चैप्टर पढ़ाए नहीं तो क्वेश्चन थोड़ा सा समझने में दिक्कत होगा। हम तो पढ़ा चुके हैं, जानते हैं, तो क्वेश्चन देख के समझ बता चुके पहले भी, नेशन जानता, देख के समझ जाएंगे नेशन क्वेश्चन ना, देख के समझ जाएंगे वॉइस का ना। तब वॉइस देखो, टेंस को बनाने का तरीका क्या गो टेंस बताए थे? 12 गो, लेकिन वॉइस को बनाने का तरीका एक के गो। तब बता टेंस आसाने के वॉइस आसाने, तो पहले हार्डे वाला पढ़ा दिए, झंझट दिक्कत ना। टेंस को बनाने का तरीका 12 गो, वॉइस को बनाने का तरीका अब ये बता देंगे, नहीं बनने लगेगा। हाँ देखो ना, कुछ नहीं, पहले सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर वर्ब का तीसरा, फिर बाय, अपना सब्जेक्ट हो गया। हाँ फिक्स, एगो तो फिक्स नहीं हो गया। अब क्या हुआ? पहले बता, एगो एगो तो यही है, नाइन परसेंट बाय लगता है। आज का क्लास वहां वाला देख लेना, वहां जो भाई चल रहा है आज, यही कॉन्सेप्ट बता है आज कि बाय की जगह पे कुछ और भी लगता है, ठीक है ना। आज चलवे किया क्लास, अपलोड होगा था के बाद, ठीक है। चलो तो भाई 99% 1% और प्रीपोजिशन आ सकता है, क्योंकि बोला 1% कुछ और भी आ सकता है, तो आएगा तो पढ़ाएंगे, धर्मा जोत नहीं है अभी का छुए, ज्यादा वाला क्लियर हो गया ना। तो तुम भाई देख के समझ जाएगा। देखो अब क्या एग्जाम में क्वेश्चन कैसे पूछता है, इससे टाइम इंटेंस में कैसे क्वेश्चन पूछेगा। टाइम इंटेंस मतलब वर्ब, टेंस का मतलब क्या हो गया? वर्ब एन एक्टर से हो गया। कहाँ आवाज आ रहा है? कुछ आ सकता है, हेल्पिंग वर्ब एक होता है, नहीं और बता रहे हैं। एग्जाम में क्वेश्चन क्या पूछेगा, यहां से उसको कोई मतलब नहीं है, यहां से उसको कोई मतलब नहीं है। मेन मतलब है उसको क्वेश्चन यहां से बनाएगा वो, या तो यहां मिसिंग कर देगा या तो यहां मिसिंग कर देगा, जो मिसिंग करेगा वो ऑप्शन में डाल देगा, समझा। मान लो कि लो यहां मिसिंग कर दिया, यहां वर्ब का क्या ना है तीसरा, मिटा देते हैं। अब तुमसे पूछे क्वेश्चन कुछ हो है, क्या मतलब है हमको? सब्जेक्ट में राम हो, मोहन हो, सोहन हो, उसे क्या फर्क पड़ता है? समझे ना, हेल्पिंग जो है एमओ, क्या फर्क पड़ता है? यहाँ वर्ब का क्या ना था आंसर? अब ऑप्शन दे दिए, लो पहला दे दिए पहला, फिर दे दिए तुमको दूसरा ऑप्शन दे दिए दूसरा, और तीसरा ऑप्शन दे दिए तीसरा। तो बताओ अब तुमसे पूछेंगे आंसर कौन सा होगा? ना हो गया, समझ में आ गया ना, स्ट्रक्चर क्या हुआ है ना। अब क्वेश्चन इसमें जो हटा के पूछ दे, प्रीपोजिशन में इससे क्वेश्चन बन सकता है, यहां हटा के पूछ देगा, नहीं पूछेगा प्रीपोजिशन चैप्टर पढ़ा है शुरू में, नहीं पढ़ा प्रीपोजिशन। और प्रीपोजिशन क्वेश्चन से बनाएगा तो यहां मिसिंग करेगा, ऑब्जेक्ट से क्वेश्चन बनाएगा तो यहां मिसिंग करेगा, अगर उसको चेक करना होगा नाउन प्रोनाउन तो यहां मिसिंग करेगा, यहां मिसिंग करेगा, उसको चेक करना होगा हेल्पिंग वर्ब तो यहां मिसिंग करना होगा, उसको चेक करना होगा मेन वर्ब तो यहां मिसिंग करेगा। क्वेश्चन बनाना तो एग्जामिनर के हाथ में है, यहां मिसिंग करेगा। तो देखो ना क्या मिसिंग है भाई, देखो ना, सब्जेक्ट है, हेल्पिंग वर्ब है, पथी मिसिंग है, और कुछ छो करे क्या दिक्कत है हमको? तुम्हें मेन स्ट्रक्चर पता है, या स्ट्रक्चर है तुमको पता है भाई, कैसे पता चला कि ई नहीं है, ई नहीं है, ई होगा? तो हेल्पिंग वर्ब से क्या मतलब है हमको? हेल्पिंग वर्ब क्या हुआ है? 26-27 को कोई रहे, क्या फर्क पड़ता है? हेल्पिंग वर्ब मिसिंग है, एक चीज मिसिंग क्या है यहाँ पर, हेल्पिंग वर्ब इसमें क्या मिसिंग है? यहाँ पे मिसिंग है ना, पूछ रहा कौन सा होगा, ऑप्शन में रख दिया। अच्छा, मतलब सर, इधर कुछ भी है,
तो वॉइस का एक रूल है, मेन स्ट्रक्चर ही है। वॉइस का मतलब आउट शॉर्ट करके देते लो, हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब का तीसरा, बस इतना याद रखो, क्वेश्चन उड़ जाएगा। जब वॉइस पढ़ेगा तो पहला चैप्टर से लेकर के एक्सरसाइज पूरा वॉइस में यही कॉन्सेप्ट लगेगा, पूरा वॉइस में, इससे कभी भी हटना नहीं है। वर्ब का कोनो रूप रहे एक्टिव में, एक्टिव में वर्ब का पैसिव में गया, तीसरा बनाओ। एक्टिव में भी वन है, मान लो एक्टिव में वर्ब का क्या मा है, भी वन, पैसिव में क्या होगा, तीसरा। एक्टिव में दूसरा है, पैसिव में क्या होगा, तीसरा। एक्टिव में चौथा है, पैसिव में क्या होगा, हाँ। एक्टिव में पचमा है, पैसिव में क्या होगा, पंचमा। ओ सर कुछ और घुमा फिरा के कहाँ लाना है उसको, बुझ गया बस, अब बुझा क्या जी, तो और अच्छी बात है, तब तो तीसरा है, अब तुमको क्या चाहिए, और अच्छी बात है, तब तो छपा छपो बोल, तब छपा छपो नहीं होगा, पॉइंट समझ आया। कोई सामान अगर मान लो 2 रुपया का है, क्या रुपया का है, 2 रुपया, तुम खरीदने का मन है, पापा से मांगेगा 50 रुपया, मम्मी से मांगेगा, भैया से मांगेगा, कहीं कहां से मांग करके कितना पूरा आएगा। अब पहले से कोई एक आदमी 2 रुपया दे दिया तो बद खत्म, तो मांग नहीं जाएगा, खत्म, क्लियर है। भर्म का कैमो रहे पैसिव में, क्या में बनाना है, तीसरा बनाना है। अब पहले से तीसरा तो और अच्छी बात है। अब भाई पढ़ेगा तो बुझ जाएगा अपने मने, पॉइंट बुझा, कैसे टेंस बना रहा, टाइम इंटेंस अपने में बुझ रहा है, बोलेंगे सिंपल प्रेजेंट लगाना तो समझ गया, भीवन विभाग का बात कर रहे हैं सर, टेंस नहीं पढ़ रहा था, अब बोलते सिंपल प्रेजेंट लगाना तो तुम सोचेगा लगता है इजमार कहीं घुसाना पड़ेगा, नहीं तो नहीं पढ़ा है तो दिक्कत हो गई भाई। चलो ठीक है, वॉइस का स्ट्रक्चर बीट का तीसरा, बाइट का बीटिन हो जाता है, बाइटिन हो जाता है, हाँ हो गया उसका तीसरा बनाने खत्म। इसमें क्या है, हैबिचुअली वर्ब का पहला पचमा, अरे हैबिचुअली वर्ब का क्या मा पाला या बन जाए क्वेश्चन से। अच्छा टाइम इंटेंस का पीडीएफ बना दिया, हम टाइप किए हैं, अभी हम टाइप कर दिया है, तो ग्रुप में डाले क्या, नहीं डाले, डाल देना, डाल दे, नहीं टाइम सर ना है, पता नहीं है कहाँ डाले ना, नहीं डाले कैसे देख लिया, बोले टाइम इंटेंस का पीडीएफ हम टाइप, जो तुमने अलग अलग लिखा रहे थे तो बोले थे एक जगह पेज में करने के लिए, तुम करना ही, हम भी कर दिए, टाइप भी कर दिए, तो टाइप कर दिए, 2 पेज में है, अभी डाले नहीं है, डाल दिखा देते, कल बने में क्यों ग्रुप में भी दे देंगे, दिखा देते हैं, हम पीडीएफ दे देते हैं, कहीं सब जगह भेज देते हैं, टेलीग्राम में रहेगा ही, लॉन्ग टाइम में सर, देखो देखो तुरंत टाइप कर दिए तुम्हारा, तुमको हम जितना रूल था ना, जैसे एवरीडे में बोले था ना भी वन विभाग लगेगा, तब बता दिए, लास्ट में बोले ना V2, तब टाइप कर दिए, पीडीएफ भेज देंगे, तुम बात तो बराबर है, कुछ छोड़ लो, तुम इसका जोक कर लो, चिपका लेना, अब तुम छाप लो, जोक जो कर, हमको को फर्क, मेरा काम सुविधा देना, कितना सुविधा देंगे, जब तो तू नहीं चाहेगा थोड़े आएगा तुमको, हाँ बोलो, लॉन्ग टाइम क्वेश्चन बोलो, तो 4 लिखल है, देखता है 4 प्लस टाइम है, लॉन्ग टाइम क्या हो गया, हाँ हो गया, तो हो 4 हो या सिंस हो वही बात, ये बहुत टकराता है एग्जाम में, हाँ और बोलो पूछ लो, वेयर पैलेस लगा यहाँ पे ना, यहाँ देखो ये प्रेजेंट का है कि पास्ट का, तो इधर कौन मिला होगा, हाँ बोलो ना, नहीं ये वाला कॉन्सेप्ट नहीं बताया है, ये वाला कॉन्सेप्ट नहीं बताया, नहीं बताया, अभी हम देख के समझेंगे, नहीं बताया, देखो इफ के साथ एक बताया है कि इफ से नजदीक क्या होगा, V1 या एग्जाम का फेवरेट है, एग्जाम का फेवरेट है, इफ से कहीं दूर क्या होगा, है सेलविल, चल या एग्जाम का फेवरेट है, कंपटीशन में पूछता है ये, जब यार प्लीज कॉन्स्टेबल का क्वेश्चन उठाएगा ना ये तुमको मिलेगा,
ये आपने कॉन्स्टेबल में, ये हो गया कहाँ, नजदीक ना, तो ये सब लिखना अच्छे से अपना, नजदीक में और क्या दूर में, लिख दिया ऐसे हमने, ये बात हम लिख दिए, फिर तुम अपना हिसाब से अपना एक नोट्स बना लेगा ना, तो अपने हाथ से नोट्स बनाएगा तो तुमको ज्यादा दिन याद रहेगा, हाँ ज्यादा दिन याद रहेगा तुमको, और मेरा हम अपने हिसाब से देते हैं, हमको अपने हिसाब से हम याद कर लिए तो फायदा होता है हमको समझाने में, समझाने में समझने में, तुम अपने हिसाब से, तुम सोचेगा नजदीक क्या है दूर क्या है पता नहीं, लगता नजदीक लिखल रहेगा तब बी एन पर लगाएंगे, दूर लिखल रहेगा तब सेल भी लगाएंगे, इधर लिखल रहेगा, जो नहीं पढ़ा होगा तो देखेगा तो कहेगा लगता नजदीक लिखा रहेगा तब इन लेके आना, इसका बात वो है ना। और एक और क्वेश्चन है इफ से, इफ से देख लो, एक रूल हो गया ना, इसका दो रूल, ये तो पहला हो गया, दूसरा देखो, इफ से करा एक तरफ होगा वेयर तो एक तरफ लगाना उड, तो ये नजदीक ये दूर वही बात है, हाँ इसका हिंदी क्या समझो, करा कि अगर मैं राजा होता, अगर मैं राजा होता, देखो मैं राजा था और मैं राजा होता में अंतर है, इस बात समझ में ना, सुमिता बोले चलो अब देखो, मैं राजा था क्या बनेगा, आई वाज अ राजा, बोल दिया तो क्या लिखा, बोल दिया आई वाज अ राजा, तो आई वाज अ राजा मैं राजा था, तो ये 100% की 100%, कोई कह रहा है कि मैं राजा था, पास्ट का बात बता रहा है ना, वो चंदू मौर्य क्या बोलेगा कि मैं राजा था, नहीं बोलेगा चंदू मौर्य राजा था, बाबर राजा था ना, बाबर क्या बोलेगा मैं राजा था, सही बोला कि गलती बोल रहा है, बता रहा है पास्ट में बता रहा है कि मैं राजा था, ठीक है ठीक है, आगे आ जाओ, लेकिन तुम लोग राजा है, तुम राजा था, लेकिन वो सोच रहा है अगर मैं राजा होता तो गलत चाप देते तुमरा हम, तो तुम सोच रहा है ना, सोच रहा है कल्पना कर रहा है, तो तुम रियल में है, अच्छा ये जो चंदू मौर्य है वो रियल में था, रियल रहेगा तो क्या लगाते हैं, अगर रियल में था तो क्या लगाएंगे, लेकिन तुम कह रहे कि हम राजा, रियल में है नहीं, तुम सोच रहा है कल्पना कर रहा है, अगर मैं राजा होता, अगर मैं पीएम होता, अगर मैं मोदी होता तो सबके पॉकेट से 15-15 रुपए निकाल देते, ले हो जाता आए, लेकिन हम मोदी है बोलते, अगर हम बिहार के मुख्यमंत्री होते है, नीतीश जी क्या बोले, लालू जी, लालू जी क्या बोलेंगे, मैं बिहार का मुख्यमंत्री था कि होते, होते तो बोले था, तो किस पे बोलेगा, नहीं हम वाच पे बोलेंगे, हम बोलेंगे कल्पना करके, अगर हम बिहार के पीएम सीएम होते तो क्या बोलेंगे, इफ, पहले इफ से बोलना पड़ेगा, अगर नहीं बोलेगा इफ आई, हाँ वेयर ए राजा, इसका देखो, इसका मतलब मैं राजा था, इसका मतलब अगर मैं राजा होता तो बताओ, वेयर लगाने का मतलब है कि कल्पना कर रहे हैं, तक देखो आज तक बचपन में पढ़ा होगा, बचपन के अभी तक तुम सोचता होगा आई के साथ क्या लगता है, आई के साथ क्या लगा दिए, कोई देखिए कहते किसी पूछता आई के साथ वाज की वर कहेगा वाज, तुम कहना वर लगा देंगे हम, नहीं लगा दिए, आई के साथ वाज भी सही है, आई के साथ वेयर भी सही, एग्जाम का पूछा वो क्वेश्चन है, मतलब ये कहना चाह रहे कि आई के साथ वेयर भी लगता है और आई के साथ वाज तो लगता ही है, तो जन्म करता है, अब कुछ नया सीखो ना, तब बचपन में सीखते थे आई के साथ, आप 55 में सीखेंगे आई के साथ वेयर, पॉइंट समझ में आया, दो को पॉइंट हो गया ना, लेकिन वेयर कब लगाएंगे, जब बात रियल होगा कि कल्पना होगा, रियल होगा तो पॉइंट समझा, ऑप्शन में पूछ देगा यहाँ पे फिल द ब्लैंक, कहेगा आवाज की वेयर, इफ देखते समझ जाएंगे, हाँ हाँ जहां वाज आई के साथ क्या आता, हाँ लेकिन यहाँ क्या लगा है, कल्पना करे तो आई के साथ वाज नहीं वेयर लगाना, ये कॉन्सेप्ट सीखो पहले, एग्जाम में पूछेगा, हाँ हाँ बदल देते हैं, बदल देते हैं, हाँ हाँ नहीं वो उल्टा करना है, उल्टा, हाँ अपोजिट, हाँ नहीं ठीक है ठीक है, उल्टा करना है, लेकिन तुमको एग्जाम में क्वेश्चन इससे पूछेगा, हम बता देते हैं, पूछेगा नहीं पूछा हुआ है, जैसे अब हिंदी समझो, मैं राजा होता तो इफ आई वेर अ किंग, मैं चिड़िया होता इफ आई वेर अ बर्ड, मैं पीएम होता इफ आई वेर अ पीएम, क्वेश्चन ऐसे बनता है, उल्टा कर देंगे, तो यू के साथ क्या लगता है, वाज कर देंगे, ये क्वेश्चन ऐसे नहीं बनता, क्वेश्चन ऐसे बनता है, उल्टा कर देना है, ये कॉन्सेप्ट है,
इतना तो हाँ समझ गया, बस इतना यहाँ उल्टा करना है, वही कॉन्सेप्ट है। तो यहाँ भी उल्टे ना किए हम, वाच लगना क्या चाहिए, लगाए क्या, तब ये हो जाएगा कल्पना ही भागते हैं, कल्पना हो जाता है। ये रियल बात तुम सोच रहा है, अगर मैं हाथी होता, अगर मैं बिहार का मुख्यमंत्री होता, इफ आई वर सीएम ऑफ बिहार, होता है नहीं, क्वेश्चन मिलेगा बहुत है उसमें एग्जांपल मैंने ना। अच्छा तो एक क्वेश्चन देखो, वही तो है यहाँ वाला, ये जो बोले है, एक तरफ अगर वेयर है तो आगे भी क्वेश्चन हो सकता है ना, अगर मैं चिड़िया होता तो आसमान में उड़ता। देखो इफ आई वेयर ए बर्ड, मैं आसमान में उड़ता, आई वुड फ्लाई इन द स्काई। अगर मैं राजा होता, इफ आई वेयर अ बर्ड, तो मैं आसमान में उड़ता, आई वुड फ्लाई इन द स्काई। देखो जब रियल हो गया तो आगे काहे कुछ बोलेगा तुम, तब सिंपल बात करते हैं। सिंपल पास्ट बोल दो ना, काहे जरूरत है, सिंपल पास्ट देते हैं, सिंपल पास्ट हो गया, ठीक है। क्वेश्चन वन ऑप्शन होते एग्जांपल होगा उसमें, हम इसलिए तो चर्चा की है। तो दो चीज देखो, इफ से दो बात याद रखो, इफ से क्या को बात याद रखेंगे, दो को, कौन कौन, वेयर आई वुड, क्वेश्चन ऐसे हाँ, इफ यू वाज पीएम का, यू वाज अ किंग कर दो, हाँ हाँ पलटना रहता है, लेकिन क्वेश्चन तुमको हम बोलते रहे कि आई से पूछता है भाई, इतना ही याद रहेगा तो काफी है, पहले तो यही याद करो। हाँ तो इफ से दो को पॉइंट करो, दोनों फेवरेट एग्जाम का, इफ के साथ एक तरफ वेयर तो एक तरफ उड, क्वेश्चन कैसे पूछेगा, वेयर दे देगा तो ई ब्लैंक कर देगा, ई दे देगा तो ई ब्लैंक कर देगा, कैसे, ये देगा तो ई पूछेगा, ई देगा तो क्लियर है। तो बस इतना याद रखना कि एक तरफ सेल मिलते, एक तरफ भी वन भी फाइव, एक तरफ दे दिया तो एक तरफ भी होगा, एक तरफ दे दिया एक तरफ भी होगा, एक तरफ दे दिया तो एक तरफ भी होगा, एक तरफ दे देगा तो एक तरफ, दोनों तरह क्वेश्चन मिलेगा तुमको, ठीक है। क्या करा बेटा, किस में, अगर मैं जाऊंगा, हाँ तो अगर मैं जाऊंगा, इफ से सिंपल तो बोलते हैं, इफ के नजदीक में क्या बोलेंगे, इफ आई गो, ये तो पहले वाला हो चुका है, अगर मैं जाऊंगा, तुम गागे की है फिर भी किस में बोल रहा है, वी वन वी फाइव में, गागे की सेल्फी में बोलना है ना, इफ आ जाता है तो इफ फिक्स कर देता है, हाँ वी वन वी फाइव में, ठीक है। जैसे अगर तुम आओगे तो मैं पढ़ाऊंगा, तो इफ यू कम आई विल टीच, हाँ तो ठीक है, इस पे इफ के साथ कॉन्सेप्ट यही लगेगा तुम्हारा, इसके साथ भी वन विभाग बोलना है, इससे दूर सेल बिल बोलना है, तो जब जिसके साथ अगर है उसके साथ क्या बोलेगा, वही ना, वो हिंदी बता रहा है, इफ है तो मतलब अगर है, अगर है तो भी वन विभाग, अब आगे जो बात बोलना है सेल बिल बोलते रहो, अगर तुम आओगे तो मैं जाऊंगा, इफ यू कम आई विल गो, तो जब ये इफ अगर बोले, अगर के साथ भी वन विभाग मिला है, छाप बोले छापना है। गेट वाला है ना, गेट वाला बताते ना पहले, गेट वाला तुमको है जा प्लस भी थ्री, मतलब चार्ट जिसको याद हो गया उसको बनने लग गया, सिंपल उतना भी नहीं याद रखना है, जब याद रखना है जब से बनेगा, है जब मारू का काम रहता है, तो पिछले वाला बात से भी तुमको काम देगा, आधा बात याद है, इतना याद आ गया कि है जब लगेगा, बहुत ही होगा, हाँ एक जगह कर लेना, एक जगह करना करना ना, देखो जितना भी है जब, देखो क्या करना, तुमने नोट्स बनाएगा खुद से, जब तक खुद से नहीं बनाएगा तुमको याद नहीं होगा, हम भी खुद से बनाए थे याद है हमको, हैज है वाला एक जगह कर लेना, हैज है प्लस बी थ्री एक जगह कर लेना, अब जिसके साथ भी हैज है प्लस बी थ्री लगता है सबको एक यहाँ भर देना, मतलब जैसे येट वाला आएगा, एगो पिछला कॉन्सेप्ट ना किस किस में लगता है, ये तो ये टाइम देखेगा ना भाई,
क्या कर रहा है अभी तक 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 अभी तक वही तक या अभी तक ऐसे थोड़े होगा। तुम इंग्लिश क्लास करा के हिंदी क्लास हो बता पहले तो ट्रांसलेशन क्यों पढ़ा है फिर हम पहले ट्रांसलेशन क्यों पढ़ा है पहले बोल रहे ग्रामर पढ़ाएंगे उसमें हिंदी का चर्चा नहीं मैंने तो हमको टाइम देखना था हमको उतना क्या लगाने का हम सीधे ये देखेंगे हैज़ प्लस बीच लगेगा तुमको ये ना समझना पड़ेगा ऐसे तो पढ़ाएंगे तो फिर हो गया तब जहां गागे की में भी वन भी फाइव लगा रहे हैं अब वहां पर आए थे गागे की में सेल भी लगाते हैं फिर गलती भी तो लगेगा ना कहीं कहीं बच्चा सब बात कैच कर लेता है ना बच्चा तो उतना ध्यान नहीं रखता ना ये तो हम ये करें तुम अपना चार्ट बना लो ना बैठ करके ये सब क्या करो एक जगह कर लो बी वन बी फाइव जितना दिए थे सब एक जगह कर दो सेल बिल जितना तो ना। हाँ काफी है वो काफी है यहाँ तो हाँ और कुछ और है He speaks as if he dash my boss. इसका देखो ये है क्या बोले हर में मिलेगा ना कुछ ना कुछ ये है इसको इसी से कॉन्सेप्ट है कर अब तुम इसका हिंदी निकालेगा तो क्या हिंदी निकलेगा पता है स्पीक का मतलब बोलना तो तुम निकालेगा वो बोलता है नहीं या इसका मतलब होगा बात तो ऐसे करता है जैसे कि मेरा बॉसे है डायलॉग सुना है वो बात तो ऐसे करता है जैसे कि मेरा बापे है वही है ये यहाँ पे सिर्फ क्या पुट कर दो हो गया देखो इसका अभी ये वो वाला सेंटेंस है तो क्या सर बात करना का टॉक होता है आप स्पीक लिख दिए हाँ तो तुम निकालेगा बोलना ना लगता है ना वह बात तो ऐसे करता है जैसे कि मेरा बॉसे है वह बात तो ऐसे करता है जैसे कि मेरा बापे है वह बात तो ऐसे करता है जैसे कि मेरा गार्जियन है ये सब सेंटेंस हो जाता है। अब बताओ वह बात तो ऐसे करता है जैसे कि मेरा बॉस है क्वेश्चन तुम्हारा क्या था वह बात तो ऐसे करता है जैसे कि मेरा बॉसे है यही ना हम लोग बोलते हैं अपने ठेठ भाषा में बॉसे है तो बताओ बात का रियल में बॉस है वो रियल आता तो क्या लगाते हैं बस हो गया वही कॉन्सेप्ट लगेगा रियल आता तो क्या लगाते हैं वाज रियल में है वो तो क्या लगाएंगे खत्म वेयर ही स्पीक्स एज इफ ही वेयर माय बॉस वो बात तो ऐसे करता है जैसा कि मेरा बॉस है कि वो बात तो ऐसे करता है जैसा कि मेरा भाई है ही वेयर माय ब्रदर वही तो एजीपे का ना कॉन्सेप्ट है ये यार फिक्स ब्रैकेट क्यों किए हम जैसे यहाँ ये निकाले ना यहाँ क्या निकाले तुमको क्वेश्चन वहां पूछेगा ना हाँ यहाँ पूछता है अभी तक तो यही पूछा बाकी क्या पूछेगा आपके चलता थे बाकी ठीक है पूछेगा तो लो ना अगर बनाना चाहेगा तो लो तुम खुद भी बना सकता एक तरफ क्या है नजदीक में क्या है नजदीक में वो है कि वेयर है इधर क्या था यही हो सकता है क्वेश्चन ये बनता है इसका ये क्वेश्चन बनता है तो ये नजदीक हो गया ये क्या हो गया दूरे रहता ना ये क्वेश्चन यहां से बनेगा यहां तो ये पूछेगा था भाई सिम मतलब बी वन या बी फाइव पूछना चाहेगा कहां बी वन है कहां और तुमने एग्जाम में इजी क्वेश्चन आएगा पहले बोल देते हैं तो चल गए ना बहुत इजी हम कह रहे हैं बी वन कहां लगता है बी फाइव कहां लगता है ये पूछेगा है जब के साथ वर्ब का क्या मान लगता है ये पूछेगा सेल विल के साथ वर्ब का क्या मान लगता है ये पूछता है क्वेश्चन पलट के देखो ना एग्जाम का पहला पूरा मॉडल से के साथ ना पहला तो सेल विल खाली ज्यादा बात सेल विल का होता है मॉडल में तुमको क्योंकि सेल विल का है ज्यादा बात सेल विल टेंस में आ जाता है ना कैन थोड़े टेंस में आता है मॉडल से में आ जाता है इसलिए ज्यादा टकराएगा तुमको इसलिए बोल दिया डू डज दिस के साथ वर्ब का क्या मान था पहला इतना बात याद है तो क्वेश्चन बन जाएगा तुमको उतना ज्यादा याद कर कुछ तो है कि एक दो को टकराता है लेकिन कुछ है कि फेवरेट है कौन हार्ड करती है एक बार पढ़ फर्स्ट बार तो कौन सी हार्ड है पहली बार पढ़ा टाइम एंड टाइम तो किसको नहीं हार्ड लगेगा हमको दुकान जो पढ़ रहा होगा पहली बार बच्चा वो क्या कहेगा आसान है और तुम क्या कहेगा
का है कि भाई तुम पढ़ चुका है, तो कोई चीज पढ़ने के बाद ना आसान बनता है। अब एक बार तुम याद हो गया येट के साथ लगता है, तुम भाई येट के साथ ही लगता है, पति लगा रहा था, तुमके लिए भी आसान हो जाता है। फर्स्ट बार कहीं तुम जाएगा तुमको और लगेगा, दोबारा जाएगा तो हम गए हुए चलो ले चलते हैं, यही ना होता है। जान पहचान होने के बाद तो दो बार तीन बार बनाएगा क्वेश्चन, येट टकराएगा है, जब प्लस बीच लगाएगा तो ना जान पहचान होता है, जान पहचान हो जाता है तो कोई चीज आसान हो जाता है। अभी अनजान आदमी साथ बैठेगा तुमको और फील लगेगा, उसके साथ बैठो और नहीं फील हो रहा, क्या है दो दिन तीन दिन बैठ चुके ना, जैसे आने आदमी बैठेगा कहीं मेरा मोबाइल लेके ना भाग जाएगी, फील होता है ना कैसा होगा नहीं होगा, कहीं किसी का बकरी चुरा के आया होगा हमारे नाम बता देगा, ये होता है। चलो पॉइंट समझ आया, मतलब तुमको मेन कॉन्सेप्ट ये तो बता रहे, ये छांट लें तुमको क्या करना, एक पेज पे बैठ करके आ जाए, कल सब लेके आगे चेक करेंगे, तुम बस ये निकाल लेगा किसमें क्या लगेगा, एक पेज भरेगा एक पेज पूरा अट जाएगा, हो गया वही है। एग्जाम फेवरेट बता दिए, हैज हैव सब फेवरेट एग्जाम का, हैज हैव के साथ वर्ब का क्या मान लगता है, ये सब यादें कर लो, अब याद हो ही गया होगा, पढ़ाते पढ़ाते याद हो गया होगा। डू डज डिड टकराएगा ना हो जाएगा, डू डज डिड वर्ब का क्या मान लगेगा, पहला मॉडल्स में से कोई भी मॉडल्स हो, शैल विल हो या कुछ हो, याद हो जाता है। अब डू बोले डज बोले डिड बोले नॉट भी लगा के आया तो ये ना आएगा, डोंट ट्राई डजंट ट्राई डिडंट ट्राई, तो बेसिक बात सर, तो पहले तो बेसिक पर कमांड होना चाहिए ना, फिर वी वन कहाँ लगता है वो याद होना चाहिए, वी फाइव कहाँ लगता है याद, ये होना चाहिए, ये सब आएगा तब ये थोड़ा सा उस टाइम इंटेंस भी समझ में आएगा, क्या ये सब टेंस से बोले हम भी, टेंस है टेंस है टेंस है टेंस है, ठीक है। और डाउट है पूछो, क्लियर है, बन जाएगा क्वेश्चन सब, अब बन जाएगा तुमको, अब वॉइस बताएंगे अपना, तुम डाउट पूछ रहे हो, इसमें क्या दिक्कत है,